हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करेंगे कि एक सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम कितने टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रेंथ के फॉर्म में, मास परसेंटेज के फॉर्म में, वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में, मास वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में, पार्ट्स पर बिलियन के फॉर्म में, मोलैरिटी के फॉर्म में, नॉर्मैलिटी के फॉर्म में, फॉर्मैलिटी के फॉर्म में, मोलैलिटी के फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इतने सारे जो टर्म हैं, इन टर्म की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है नॉर्मैलिटी। तो ये हमारी मोलैलिटी जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो नॉर्मैलिटी और मोलैलिटी में इतना डिफरेंस है जितना कि अमीरी और गरीबी में होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, उसको हम नॉर्मैलिटी बोलते हैं। और नॉर्मैलिटी का सिंबल जो है वो कैपिटल एन होता है। नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ग्राम इक्विवेलेंस हमारे क्या कहलाते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंस और मोल दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो जरा, मोल हमारा होता है वेट अपॉन मोलर वेट, जिसको कि हम मॉलिकुलर वेट बोलते हैं। और जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंस होता है ये क्या होता है? ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बस इतना डिफरेंस है। मोलर वेट की जगह अगर हम इक्विवेलेंट वेट यूज करने लगे तो हमारे मोल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मैलिटी का हमारा फॉर्मूला जो है वो बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह हमें क्या रखना है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये होगा हमारा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बस ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हमें किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जो है वो बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट जो है वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये हमारा n फैक्टर जो है वो क्या कहलाता है? तो n फैक्टर जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये किसी एसिड के लिए n फैक्टर क्या होगा, किसी बेस के लिए n फैक्टर क्या होगा, किसी सॉल्ट्स के लिए n फैक्टर क्या होगा, और या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में। अब केमिकल रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है, इसमें एन फैक्टर क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर किसी रेडॉक्स रिएक्शन या किसी और भी रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो बड़ा सिंपल है। देखो जरा, सपोज कि इसमें हमने जो है वो HCl भरा हुआ है, इसमें हमने H2SO4 भरा हुआ है, इसमें हमने H3PO4 भरा हुआ है, इसमें हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर पे हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इधर पे हमने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हम एक सॉल्ट ले लेते हैं NaCl। तो अब देखो जरा, N फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, ये H2SO4, ये H3PO4, ये NaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये NaCl सॉल्यूशन है। अब यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ये केवल और केवल सॉल्यूशन केवल है हमारे पास। अब इनका N फैक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे? तो देखो जरा, इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव आयन देखेंगे। तो इसमें H पॉजिटिव और Cl निगेटिव है। तो याद रखना, एक कंपाउंड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे
एच पॉजिटिव है लेकिन दो एच हैं और SO4 माइनस टू है, तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव चार्ज हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एच पॉजिटिव की थ्री है और PO4 जो है वो माइनस थ्री है। NH की बात करें तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम डाई पॉजिटिव एंड OH माइनस वन होता है लेकिन दो OH हैं, तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे बात करें तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री होता है, OH माइनस होता है लेकिन तीन OH हैं, तो तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव हैं। NaCl की बात करें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हर कोई कंपाउंड जो है, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे आपका सॉल्ट हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उसमें इक्वल होंगे। मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर उस पर चार्ज है तो वो कंपाउंड नहीं है, फिर वो आयन कहलाएगा। जैसे कि PO4 माइनस थ्री ये आयन है, ये सल्फेट आयन है। अगर चार्ज है तो फिर वो आयन है, अगर चार्ज नहीं है तो फिर वो कंपाउंड है। समझिए बात को, जैसे पॉजिटिव चार्ज में आपका ये अमोनियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, तो ये तो हमारे आयन्स हैं और ये हमारे कैसे हैं, कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, इक्वल होता है। अब एन फैक्टर क्या होता है, बस एन फैक्टर इनका चार्ज होता है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लें या फिर नेगेटिव चार्ज ले लें। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप पॉजिटिव चार्ज से एन फैक्टर को कंसीडर कर सकते हो, अगर दूसरे के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो भी आप एन फैक्टर को नेगेटिव चार्ज से कंसीडर कर सकते हो। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, एन फैक्टर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज से कंसीडर कर रहे हैं तो एन फैक्टर यहाँ पे वन है। H2SO4 के लिए एन फैक्टर टू है क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, थ्री है क्योंकि यहाँ पे थ्री पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, वन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, टू है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, थ्री है क्यों, क्योंकि यहाँ पे थ्री पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे वन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बस ऐसे हम एन फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया तो देखो जरा, ये Na पॉजिटिव होता है, दो Na पॉजिटिव है और CO3 माइनस टू होता है, तो N फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे Al2O3 लिया तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री होता है, ऑक्सीजन माइनस टू होता है, कितने ऑक्सीजन है, थ्री, एल्यूमिनियम कितने हैं, टू, तो सिक्स पॉजिटिव सिक्स नेगेटिव चार्ज, तो N फैक्टर कितना हो जाएगा, सिक्स। अगर हमने यहाँ पे जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया तो Mg डाई पॉजिटिव SO4 माइनस टू, तो N फैक्टर हो गया यहाँ पे टू, क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो कैल्शियम प्लस टू CO3 माइनस टू, तो N फैक्टर हो गया टू। अगर हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया तो ये सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो N फैक्टर हो गया वन। अगर हमने यहाँ पे ऑक्सेलिक एसिड ले लिया तो ये आयनाइज होगा सी ओ नेगेटिव बॉन्ड सी ओ नेगेटिव, दो नेगेटिव हैं और दो H पॉजिटिव हैं, तो N फैक्टर हो गया यहाँ पे टू। अगर हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया तो Al प्लस थ्री टू है और SO4 माइनस टू, ये कितने हैं, थ्री, तो सिक्स पॉजिटिव सिक्स नेगेटिव है, तो N फैक्टर हो गया सिक्स। तो बस ऐसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का N फैक्टर जो है वो बता सकते हैं। अब चलो इक्विवेलेंट वेट जो है इसका निकाल के बता देते हैं आपको, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट का बता रहा, ओके, मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है, 106 होता है, सोडियम का 23 होता है ना, इंटू टू करोगे प्लस कार्बन 12 होता है प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू थ्री, तो ये आप सम करोगे तो ये कितना आएगा, 106 आएगा, और डिवाइडेड बाय करोगे टू, क्योंकि एन फैक्टर कितना है, सोडियम कार्बोनेट का टू है, तो ये आएगा 53। तो इक्विवेलेंट वेट जो है ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है, 53। तो बस ऐसे किसी भी कंपाउंड का हम इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं। अब हमें इक्विवेलेंट वेट जो है वो केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या किसी अन्य रिएक्शन का बताना है।
अब हम n फैक्टर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताएंगे। तो देखो जरा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन HCl से करा है, क्या बना? NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पे आयन देखो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, यहाँ पे आयन देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो इसका N फैक्टर 1 है, इस एसिड के लिए भी N फैक्टर 1 है, ये जो सॉल्ट है इसके लिए भी N फैक्टर जो है वो 1 आया। तो अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो इक्विवेलेंट वेट किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मोलर मास कितना है इसका? 40 होता है, डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट के इक्वल आया, तो ये कब हो सकता है? व्हेन एन फैक्टर इज 1, देन इक्विवेलेंट वेट इक्वल होगा किसके? मोलर वेट के, जिसको कि हम मॉलिकुलर वेट बोलते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब एन फैक्टर 1 होगा तब। ऐसे यहां पे HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट बताओगे तो कितना आएगा? ये 36.5 होता है HCl का मास, और n फैक्टर 1 है तो ये 36.5 भी आया, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट कैसा है? इक्वल है। इसी प्रकार NaCl के लिए भी होगा इक्विवेलेंट वेट, क्या होगा? 58.5 इसका मोलर वेट है, n फैक्टर है 1, तो ये 58.5 ही आया। तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट इक्वल है, क्यों? क्योंकि इसका n फैक्टर 1 था। अब हम NaOH तो एज इट इज लिया हमने, लेकिन एसिड चेंज कर दिया, H2SO4 ले लिया, और रिएक्शन हो रही है ऐसी, NaHSO4 बना और बना H2O। अब देखो ये तो आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, लेकिन रिएक्शन में होगा क्या कि एक H जो है वो रिप्लेस होगा, तो इसका आयनाइजेशन कैसा होगा? H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में होगा इस रिएक्शन में, और इसका आयनाइजेशन कैसे होगा? Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। तो इसके लिए N फैक्टर कितना है? 1। इसके लिए N फैक्टर कितना है? 1। इसके लिए N फैक्टर कितना है? 1। तो सभी के लिए N फैक्टर की वैल्यू है 1। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 98, इसके मोलर वेट के इक्वल होगा। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 40, जो कि इसके मोलर वेट के इक्वल होगा। और इसी प्रकार NaHSO4 का इक्विवेलेंट वेट भी उसके मोलर वेट के इक्वल ही आएगा। अब मान लीजिए रिएक्शन ऐसे होती है, NaOH की H2SO4 से रिएक्शन हुई, क्या बना? Na2SO4 बना और H2 बना। अब याद रखना कि नॉर्मेलिटी के लिए इक्वेशन बैलेंस होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन मोलरिटी के केस में इक्वेशन बैलेंस होना मस्ट है, कंपलसरी है। तो जब हम मोल को इक्वेट कराते हैं मोलरिटी में, तो वहां पे इक्वेशन बैलेंस होना कंपलसरी है, लेकिन जब हम नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंस को इक्वेट कराते हैं तो वहां पे इक्वेशन को बैलेंस होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी को हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बोलते हैं, जो कि विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन में अप्लाई किया जा सकता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ये बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है, ये इतना बड़ा डिफरेंस है जितना कि अमीरी और गरीबी में होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पे सोडियम प्लस 1 में है, OH नेगेटिव में है, यहाँ पे H पॉजिटिव 2 है और SO4 -2 है। ये H2SO4 पूरा आयनाइज हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सोडियम आए, मतलब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, इसलिए H पॉजिटिव कैसे बने? 2 बने, SO4 1 बना। ये Na पॉजिटिव है 2 है और SO4 -2 है। तो जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे, जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलो कर देते हैं, ये 2 करोगे तो इससे पता चल गया कि दोनों हाइड्रोजन सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिए, और वाटर भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n फैक्टर आएगा 1, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे n फैक्टर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे n फैक्टर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है।
अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे NaOH तो दो हैं तो Na पॉजिटिव भी दो होना चाहिए, OH नेगेटिव भी दो होना चाहिए, तो N फैक्टर टू होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि N फैक्टर जो है वो पर मोल के लिए निकाला जाता है। दो मोल में दो Na पॉजिटिव हैं तो एक मोल में कितना होगा, एक ही Na पॉजिटिव होगा, इसलिए N फैक्टर वन आया। अब रेडॉक्स रिएक्शन में हमें N फैक्टर पता लगाना है, इसके बाद हम इक्विवेलेंट मास जो है वो बता सकते हैं। तो KNO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो KKSO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, H2 बनेगा और 5% ऑक्सीजन बनेगी। तो यहाँ पे N फैक्टर जो है वो 5 आया। कैसे आया N फैक्टर 5? तो KNO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के नहीं बनती है तो हमने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हो। यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो टोटल कितना डिफरेंस आया? 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, इसलिए N फैक्टर कितना है? 5 है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? KNO4 का जो मोलर वेट है कितना है? 158 है। डिवाइड कितने से करना है? 5 से करना है। क्यों? N फैक्टर 5 है, तो ये 31.6 आया। तो KNO4 का एसिडिक मीडियम में N फैक्टर होता है 5 और इक्विवेलेंट वेट जो है वो 31.6 हो जाता है। KNO4 जो है वो न्यूट्रल मीडियम, तो ये हमारा न्यूट्रल मीडियम है, रिएक्ट कर रहा है, KOH बनेगा, MnO2 बनेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनी। तो N फैक्टर यहाँ पे 3 आया। कैसे आया? Mn यहाँ पे +7 में है और MnO2 में Mn यहाँ पे +4 में है, तो डिफरेंस कितने का आया? 3 का डिफरेंस आया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ठीक है, इसलिए N फैक्टर कितना है? 3 है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 158 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 52.6 आ गया। तो न्यूट्रल मीडियम में KNO4 का इक्विवेलेंट वेट 52.6 होता है। अब जो है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हमें KNO4 का इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो यहाँ पे Mn जो है वो +7 में है और यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +6 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसलिए N फैक्टर होगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? जो मोलर वेट होगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा। तो जब N फैक्टर होता है 1 तो इसका मोलर वेट 158 है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी 158 होगा। अब K2CR2O7 पोटेशियम ट्राइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में रिएक्ट किया, K2SO4 बना, CR2SO4 होल्डराइज, H2O और 3 नेसेंट ऑक्सीजन बने। तो यहां पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्रोमियम +6 में है और यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, तो N फैक्टर होना चाहिए 3, क्योंकि डिफरेंस 3 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो N फैक्टर लिखा हुआ है 6। अब उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्रोमियम है 2, तो 2 × 6 कितना हो गया? 12, और यहाँ पे 2 × 3 कितना हो गया? 6, तो ये 12 है, ये 6 है, तो डिफरेंस कितने का आया? 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, इसलिए N फैक्टर हुआ 6। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 294 डिवाइडेड बाय 6 तो 49। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का N फैक्टर होता है 6 और इक्विवेलेंट वेट जो है उसका 49 आएगा। अब इसके बाद नॉर्मलिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे। तो अगर लिखा हुआ है 1N सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। तो नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी नॉर्मलिटी जो है वो 1 होती है। अगर हमने लिखा है 2N सॉल्यूशन, तो ये हमारा बाई नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी जो है वो 2 है। अगर ऐसा लिखा हो N/2 सॉल्यूशन, मतलब 1/2 सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी 1/10 हो, मतलब N/10 सॉल्यूशन हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम देसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारा देसी नॉर्मल सॉल्यूशन है। अगर नॉर्मलिटी 1/100 हो, मतलब N/100 के बिन है,
तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये हमारा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है। और अगर नॉर्मेलिटी जो है वो 1/1000 है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा मिली नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये हमारा मिली नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट की नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 3.15 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है जो कि 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो नॉर्मेलिटी हमें बतानी है। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला होता है COOH बॉन्ड COOH, ये तो हमारा एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड है। और हाइड्रेटेड का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे 2 क्रिस्टलाइन वाटर होता है क्योंकि हमारा हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। कितने ग्राम डिसॉल्व है? 3.15 ग्राम डिसॉल्व है 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो नॉर्मेलिटी बतानी, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट तो हमें पता है कितना होता है, 3.15 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट बताना है और वॉल्यूम लीटर में। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो हम कैसे बताते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ऐसे हम बताते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो मोलर वेट इसका हम निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है इसको कैसे लिखा जाएगा? C2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, H कितने हैं? 2 हैं, इनटू 2H2। तो इसका हम मोलर वेट निकाल लेते हैं। कार्बन कितना होता है? 12 इंटू 2 करोगे। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 इंटू 4 करोगे प्लस। हाइड्रोजन 1 इंटू 2 करोगे प्लस। वाटर का मोलर वेट 18 होता है इंटू 2 करोगे। तो ये पूरा का पूरा आप सम करोगे तो कितना आएगा? ये 126 आएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मोलर वेट कितना होता है? 126 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? ये होगा मोलर वेट 126 है। एन फैक्टर कितना है? तो भैया एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? तो देखो जरा, ये ऑक्सैलिक एसिड हमारा ऐसे आयनाइज होगा, COO नेगेटिव बॉन्ड COO नेगेटिव और 2H पॉजिटिव। तो एन फैक्टर इसका 2 होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो 2 से आपने डिवाइड किया तो ये आएगा 63। तो एन फैक्टर है 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 63। तो इक्विवेलेंट वेट 126 मोलर वेट डिवाइडेड बाय कितना? एन फैक्टर 2। ये हमने इसलिए लिखा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बन जाए। वॉल्यूम कितना? 250 मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे भाई, तो ये आ जाएगा हमारा 0.2। तो 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो हमारा बन जाएगा। अब देखो जरा, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, आपको याद है ना, एक बच्चे का नाम नमन, तो बस यही नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में रिलेशन होता है। ना मतलब एन इक्वल होता है मन, मतलब मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो नमन मतलब ये एन और ये एम और ये एन। 0.2 तो नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी निकाल ली। एन फैक्टर कितना है? 2 है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 0.2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगी 0.1। तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी 0.1 हो जाएगी, नॉर्मेलिटी 0.2 हो जाएगी। और ये जो हमारा फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ये हम आपको बता देंगे। तो हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम दोनों के फॉर्मूले लिखेंगे। तो मोलैरिटी होता है वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वेट इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। अब इक्विवेलेंट वेट के लिए हम मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखेंगे वेट मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है ना। तो ये एन फैक्टर जो है अपन इधर भेज देंगे,
तो हमारा मोलर वेट जो है वो इक्वल हो जाएगा वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। तो बस मोलर वेट की जगह ये जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो करते हैं मोलरिटी क्या होगी, वेट मोलर वेट की जगह क्या लिखना है, वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, इनटू वॉल्यूम लीटर में ये पहले से था, तो वॉल्यूम लीटर से वॉल्यूम लीटर कैंसिल, वेट से ये वेट जो है वो कैंसिल, तो बचेगा क्या, मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी के ऊपर चला जाएगा अपॉन एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो यही हमारा कहलाता है नमन, नमन। इसके बाद हमें नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन बताना है, तो हमने ले लिया यहां पे एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर है और नॉर्मेलिटी 0.2 एन है। अब इसमें हमने जो है वो 300 मिलीलीटर वाटर जो है वो डाल दिया, तो वाटर डाल दिया तो निश्चित बात है इसका वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर हो जाएगा। नॉर्मेलिटी इसकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो हमें नॉर्मेलिटी जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो देखो जरा इस सॉल्यूशन में जितने भी इक्विवेलेंट्स थे वो इस सॉल्यूशन में भी मौजूद होंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इधर और इधर के कैसे होंगे, सेम होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वेट करा दोगे आप इनको, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स जिसे हम केवल और केवल इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं वो क्या होता है हमारा, ये होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम और ये होता है हमारा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। तो चूंकि यहां पे नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया है तो N1V1 इक्वल होगा N2V2 के, ये बिफोर डाइल्यूशन है और ये आफ्टर डाइल्यूशन है, तो ये बिफोर डाइल्यूशन और ये आफ्टर डाइल्यूशन होगा। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2 है, वॉल्यूम कितना है 200, तो चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में है इस कारण ये हमारे मिली इक्विवेलेंट्स कहलाएंगे, इक्विवेलेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स, और अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो ये हमारे इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। तो नॉर्मेलिटी एन टू निकाल दी है, वॉल्यूम कितना हो गया 500, तो एन टू क्या हो गया 0.2 × 200/500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, तो नॉर्मेलिटी हो गई 0.4/5, तो ये हो जाएगी 0.08। तो हमारे पास क्वेश्चन है हाउ विल द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 200 मिलीलीटर ऑफ प्योर वाटर टू 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 NHCl सॉल्यूशन। तो हमारे पास HCl सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.2 N है और वॉल्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर है, वो कहता है कि इसमें हमने 200 ml जो है वो वाटर ऐड कर दिया, ऐड कर दो भाई, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि ये अब वॉल्यूम कितना हो गया 300 ml, तो निश्चित बात है नॉर्मेलिटी पता लगानी है, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, तो चूंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ये मिली इक्विवेलेंट्स कराएंगे, तो 0.2 × 100 इक्वल टू N2 निकालना है, V2 कितना हो गया 300, तो N2 जो है वो आएगा 0.2 × 100/300, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारा 0.2/3 मतलब 0.666 N, तो ये हमारा आंसर हो गया।
फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ बॉटल ऑफ कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी 1.787 ग्राम पर मिलीलीटर इज 86% बाय वेट, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी जो है वो बतानी है। तो अगर हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई हो, सॉल्यूशन का परसेंटेज जो है वो दिया हुआ हो, तो नॉर्मलिटी निकालनी हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये फॉर्मूला कैसे ट्राइव होगा ये हम आपको बता देंगे। तो चलो सबसे पहले नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं, परसेंटेज कितना है 86 इनटू डेंसिटी कितनी है 1.787 इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालते हैं, मोलर वेट तो H2SO4 का 98 है, एन फैक्टर 2 है, तो ये 49 हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी जो है वो आ जाएगी 31.36। तो ये हमारी नॉर्मलिटी जो है वो आ जाएगी। अब देखो जरा ये कैसे हमने सॉल्व किया। तो परसेंट का मतलब होता है 100 पार्ट, तो 100 पार्ट मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 86 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पे क्या है H2SO4 है, तो H2SO4 का मास तो 86 है, सॉल्यूट का मास 86 आ गया। अब हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास में सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में चाहिए हमको। तो देखो जरा वेट तो हमें पता चल गया H2SO4 का 86 है, इक्विवेलेंट वेट भी पता चल गया 49 है, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम हम यहां से निकाल लेंगे। तो डेंसिटी कितनी है, ये आपकी 1.787 इक्वल टू मास सॉल्यूशन का कितना है 100, ये पता है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो है वो आ जाएगा। तो बस वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो कर दीजिए पुट। तो नॉर्मलिटी वेट कितना है 86, इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय 2 करोगे इनटू वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन 1.787। अब चूंकि ये मिलीलीटर में आएगा और हमें तो लीटर में चाहिए, तो 1000 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वॉल्यूम हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जरा ये 2 से 98 गया तो ये तो आएगा आपका 49, ठीक है ना। तो देखो 86 हमने ये लिखा, 1.787 ये ऊपर जाएगा इधर पे, तो ये हमारी डेंसिटी हो गई। ओके, 1000 ये है और 100 ये है, तो अगर ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 10, तो 10 ये है और 49 ये है। तो बस हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ये, डेंसिटी ये, 10 ऐसे आया था, इक्विवेलेंट वेट ये है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद यहां से हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो हमारा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या कहलाता है, जिसको कि हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहलाता है, तो देखो जरा हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी, हमने लिखा NaOH की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो Na2SO4 बनेगा और H2 बनेगा। अब जब भी आप लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगाओगे तो आपको इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन में भी अप्लाई हो जाएगा। तो हमारी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ये हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसी को हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारे ग्राम इक्विवेलेंट कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, और ग्राम इक्विवेलेंट हमारे रेशियो ऑफ वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है। तो इसकी नॉर्मलिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होगा इसकी नॉर्मलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट से,
और ये इक्वल होगा इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट से, और ये इक्वल होगा इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट से। अगर मान लीजिए नॉर्मेलिटी वॉल्यूम ना दिया हो, वेट दिया हो, तो इसका वेट और इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो है वो इसके वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये इसका जो रेशियो है इसके इक्वल होगा, और ये होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यही हमारा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कहलाता है, जिसको हम केवल और केवल इक्विवेलेंस लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमने लिखा H2SO4, इसमें हमने जिंक डाल दिया तो ये बना ZnSO4 और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुआ। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे लगेगा, इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट इक्वल होगा, और इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा, और इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा। और अगर मान लीजिए वेट दिया है तो वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो इसके वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा इसके वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के, और ये इक्वल होगा इसके वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 14.7 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाज नीडेड टू डिसॉल्व 16.8 ग्राम ऑफ मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो हमें इक्विवेलेंट वेट जो है वो मेटल का डिटरमाइन करना है। तो देखो जरा, ये H2SO4 है, ये मेटल है, अननोन है, पता नहीं कौन सी मेटल है। तो M2SO4 ये X बनेगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं हमको पता, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। अब चूंकि इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो इक्वेशन को बैलेंस करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो है वो लगा देंगे। तो वेट और इक्विवेलेंट वेट ये H2SO4 का इक्वल होगा किसके, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैटर के। अब H2SO4 का वेट कितना है, 14.7, और इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होता है, मोलर मास 98 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 49 होता है, ठीक है। और वेट मैटर का कितना दिया है, 16.8 गिवन है। तो इक्विवेलेंट वेट बताना है तो यही हमको बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो मेटल का आ जाएगा 56 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। इसके बाद हम नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बीकर लिया और इस बीकर में जो है वो 100 मिलीलीटर 0.2 नॉर्मल का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये सॉल्यूशन HCl का है। फिर दूसरा बीकर लिया, इस बीकर में 200 मिलीलीटर जो है वो 0.5 नॉर्मल का सॉल्यूशन भरा हुआ है। फिर हमने तीसरा बीकर लिया और इस बीकर में 200 ml 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये तीनों सॉल्यूशन जो है वो HCl के। अब हमने क्या किया, इन तीनों को एक बड़े से बीकर में मिक्स कर दिया, तो जब ये तीनों सॉल्यूशन आप जो है यहां पे मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो हो जाएगा कितना, ये 200 200 और ये 100 500 ml हो जाएगा। अब नॉर्मेलिटी इसकी जो है वो हमें फाइंड करनी है, क्योंकि नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। तो अब इस मिक्सिंग की नॉर्मेलिटी जो है वो हमें निकालनी है। तो हमको पता है कि यहाँ पे हमने जो एसिड जो है वो मिक्स किए थे, तो यहाँ पे इनकी ग्राम इक्विवेलेंस जो है वो क्या हो गए, ऐड हो गए। तो इनके ग्राम इक्विवेलेंस जो है वो ऐड कर दो, तो N1V1 ऐड कर दिया N2V2 में, ऐड कर दिया N3V3 में, तो तीनों इक्विवेलेंट्स जो है हमने ऐड कर दिए। अब ये इनका एडिशन जो है इक्वल होगा किसके, NRVR के, जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट वॉल्यूम के प्रोडक्ट के।
तो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो हमने ऐड कर दिए, क्यों? क्योंकि तीनों सॉल्यूशन एसिड हैं, इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होगी और इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो रहे हैं, हमने मिक्स कर दिए, मतलब इनको ऐड ही करना होगा। अब देखो जरा, इसकी नॉर्मेलिटी 0.2 है इंटू वॉल्यूम कितना है 100, प्लस इसकी नॉर्मेलिटी 0.5 है इंटू वॉल्यूम कितना है 200, प्लस इसकी नॉर्मेलिटी 1 है इंटू 200 इक्वल टू एन आर, वी आर कितना है 500, तो ये कितना होगा 20, प्लस ये कितना होगा 100, प्लस ये कितना है 200 इक्वल टू एन आर इंटू 500, तो ये 320 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू एन आर, ये रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है वो आ गई 0.64, जब आप ये डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 0.64 आएगा, तो हमारी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी 0.64 एन हो गया। और इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी, तो नॉर्मेलिटी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर। फिर इसके बाद हमने दो बेस को मिक्स किया, तो एक बेस हमने लिया इस बीकर में, ये है 20 ml 0.5 नॉर्मल का और ये NaOH है, और दूसरा बेस जो है ये लिया हमने 30 ml 0.3 नॉर्मल का। अब हमने दोनों को एक बड़े से बीकर में मिक्स कर दिया, तो ये हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो निश्चित बात है वॉल्यूम तो जो 50 ml बना और नॉर्मेलिटी जो है वो इसकी चेंज हो गई। तो निश्चित तौर पे इनके जो मिली इक्विवेलेंट्स है और इनके जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो क्या होंगे, ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, बेसिक हैं। तो N1V1 प्लस N2V2 ये आपने ऐड किया, तो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम प्रोडक्ट बनेगा, तो NRVR, तो ये इक्विवेलेंट्स जो हैं इनके सम के इक्वल होंगे। तो N1 कितना है 0.5 इंटू 20 प्लस N2 कितना है 0.3 इंटू 30 इक्वल टू NR, और VR कितना हो गया 50 हो गया, 30 और 20 कितना हो गया 50 मिलीलीटर, तो ये आएगा 10 प्लस ये आएगा 9 इक्वल टू NR इंटू 50, तो ये 19/50 इक्वल टू NR, तो ये आ गया आपका 0.38। तो नॉर्मेलिटी जो है रिजल्टेंट की कितनी हो गई 0.38 N, और N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.38 N की जगह हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट्स पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। तो ये उसकी यूनिट हो गई नॉर्मेलिटी। अब अगर इस क्वेश्चन में ये जो सॉल्यूशन है वो तो NaOH का है और ये सॉल्यूशन जो है वो हम HCl का कर देते हैं, मतलब एक एसिड और एक बेस हो जाएगा, तो ये 0.3 नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब हमने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम तो 50 हो जाएगा, अब नॉर्मेलिटी क्या होगी ये बताना है। अब यार हमको पता है कि एसिड और बेस क्या होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो NaOH और HCl ये तो आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा NaCl, और क्या बनाएगा H2O। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो नॉर्मेलिटी जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू NRVR। अब आप कहोगे कि ये N1V1 एसिड के इक्विवेलेंट्स हैं कि बेस के इक्विवेलेंट्स हैं,
तो ये वाले इक्विवेलेंट्स जो है वो एसिड के हैं कि बेस के हैं, कैसे डिसाइड होगा? तो हम इनको ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम इनका मल्टीपल करते हैं, जिसका मल्टीपल ज्यादा होगा वो N1V1 बनेगा और जिसका मल्टीपल कम होगा वो N2V2 बनेगा। मतलब जिनके इक्विवेलेंट्स ज्यादा आएंगे वो N1V1 कहलाएगा और जिसके इक्विवेलेंट कम आएंगे वो N2V2 कहलाएगा। तो ऐसे तो बेस ऑटोमेटिक डिसाइड नहीं होंगे, इक्विवेलेंट से डिसाइड होंगे कि N1V1 किसको बनना है, एसिड को बनना है कि बेस को बनना है। तो देखो जरा, इसके लिए NaOH नॉर्मेलिटी वॉल्यूम कितना है, 0.5 × 20, तो ये आया आपका 10। और HCl, ये नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कितना आया, वो है 0.3 × 30, तो ये आ गया 9। तो 10 जो है वो 9 से ज्यादा है, मतलब N1V1 क्या बनेगा, वो बेस के इक्विवेलेंट्स बनेंगे और N2V2 एसिड के इक्विवेलेंट्स बनेंगे। तो ये आपका आएगा 0.5 × 20 − 0.3 × 30 = Nr, और Vr कितना हो गया, Vr हो गया अपना 50। तो ये तो 10 − 9 = Nr × 50, तो 1/50 = Nr। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो है वो 0.02 जो है वो हो जाएगी, तो 0.02 N। और हमारा ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? तो देखो जरा, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट जो है वो बेस का ज्यादा है, यहाँ पे बेस के इक्विवेलेंट्स हमारे कितने हैं, 10, और एसिड के इक्विवेलेंट्स हैं 9। तो 9 इक्विवेलेंट्स इसके 9 को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन एक इक्विवेलेंट्स जो है किसका बच जाएगा, बेस का बच जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, अभी भी बेसिक नेचर का होगा। अब नॉर्मेलिटी जो है वो हमारे वॉल्यूम से रिलेट करती है, इस कारण नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहां पे वॉल्यूम जो है वो यूज किया जाता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारी मोलैरिटी हो गई, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि वहां पे भी वॉल्यूम यूज किया जाता है। नॉर्मेलिटी हो गई हमारी, फॉर्मेलिटी हो गई, तो जहां भी वॉल्यूम का यूज होगा तो वो टर्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और जहां पे वॉल्यूम टर्म यूज ही नहीं किया गया, जैसे कि मोलैरिटी और हमारा मोल फ्रैक्शन, तो ये टर्म जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो ये तो हमारी नॉर्मेलिटी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।